क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह किरदार। सर, आपसे पहले ये पूछना चाह रहा था, काइंडली थोड़ा इन्फो दे देते या इंट्रो वगैरह हो जाता। अब मुझे तो ये कुछ आइडिया नहीं है, यानी कि अप्लाई किया हुआ था जॉब के सिलसिले में, तो ये इस ग्रुप में ऐड थे और आज ये लिंक वगैरह आया हुआ था जूम का, तो ज्वाइन किया। चले ओके हो गया। मैं हाँ, आपको ये थोड़ा सा क्या ठीक जी, है, तो यही थोड़ी क्वेरी है, कोई पता ही नहीं है यानी कि क्या सीन है। चलें ठीक हो गया जी। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वर्कशॉप है जिसका नाम है स्विच गेयर वर्कशॉप। अगर आप ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ग्रुप का टाइटल देख लेते हैं, जी या सर, वो उसकी सारा देखा है बिल्कुल तो इसी तरह, वहां पे पहले मेंशन था 11 फरवरी वहाँ को पे है। हाँ जी, बस अब आप सुन लें। तो वहाँ पे अगर आप देखें, या हम आपको बता देते हैं कि स्विच गेयर एंड कंट्रोल पैनल के हवाले से ये वर्कशॉप है, विच इज़ बेसिकली डिज़ाइन की वर्कशॉप है कि एक स्विच गेयर होता क्या है, उसका पैनल डिज़ाइन कैसे होता है, किसी भी एलटी पैनल्स के ऊपर हम डिज़ाइनिंग या साइजिंग ऑफ द कंपोनेंट कैसे करते हैं, ऑटो कैड को कैसे यूज़ किया जाता है, ई प्लान कैसे यूज होता है, इन चीज़ों को आज हम स्विच गेयर की वर्कशॉप के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। कैलकुलेटिवली सारा काम करेंगे हम, और देन वी विल गो टूवर्ड्स दी, फिर हम जाएंगे जी इंशाल्लाह ताला कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने। तो ये हमारा आज का एजेंडा है, स्विच गियर एंड कंट्रोल पैनल का डिजाइन। सो एनीवेज, स्विच गियर एंड कंट्रोल पैनल, भाई स्विच गियर होता क्या है? सो द वन थिंग इज दैट द ऑपरेटर्स यूज फॉर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड स्विचिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज नोन एज स्विच गियर। ये डेफिनेशन तो लिख दी है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं जी भाई, हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर ब्रेकर्स, कॉन्टेक्टर्स, रिलेज, इंडिकेशन लाइट्स, योर स्विचेस, योर रिलेज, योर बस बार, थिम्बल्स, ग्लैंड, केबल्स, कंपार्टमेंट्स, डक्ट्स, केबल ट्रे, केबल डक्ट्स, आइसोलेटर्स, चिटीज, पिटीज, लाइटिंग अरेस्टर, एसपीडीज, ईएलसीबी, आरसीसीबी, एमसीबीज, एमसीसीबीज, कोई भी ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रिकल पैनल का हिस्सा हो सकती है, वो एक लोहे के डब्बे में रखी गई हो किसी स्कीम के तहत, हम उस लोहे के डिब्बे को स्विचगेयर कहते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कि ऐसा पैनल, ऐसा बॉडी जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को किसी स्कीम के तहत जोड़ दें, किसी सर्किट के तहत जोड़ दें, हम उसे क्या कहते हैं जी, स्विच गियर कहते हैं जी। कंट्रोल पैनल भी हम उसे कह सकते हैं। अब देखें जी, कंपोनेंट्स जो स्विच गियर के हैं, मैंने कुछ बता भी दिए जो कि नाम लिया, अभी दोबारा भी देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए लो वोल्टेज स्विच गियर। लेकिन अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्विच गियर, सो देर आर टू टाइप्स, टू टू थ्री टाइप्स है वोल्टेज लेवल के हिसाब से स्विच गेयर की। वन इज द लो वोल्टेज, अनदर वन इज द मीडियम वोल्टेज, एंड द अदर वन इज द हाई वोल्टेज। सो आईसी स्टैंडर्ड कहता है 0 से 1000 वोल्ट इज नोन एज लो वोल्टेज। सो एलटी पैनल्स को हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं इसके अंदर, सो दैट आर द लो वोल्टेज पैनल्स। सो लो वोल्टेज पैनल्स को हम देखेंगे, मीडियम वोल्टेज अगर इससे ज्यादा 3366 kV तक हम मीडियम वोल्टेज कहते हैं, और इससे ऊपर को हम हाई वोल्टेज कहते हैं। इसी तरह आप बाज स्पेसिफिकेशन में अल्ट्रा हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को भी डेफिनेशन कर देते हैं, लेकिन हमें नीड नहीं है। अगर हम लो वोल्टेज और एलवी एचवी पे चले जाएं तो भी काफ़ी है, एमवीवी को भी हम साथ ला सकते हैं जी। डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। कंपोनेंट ऑफ ए लो वोल्टेज स्विच गियर कौन से हो सकते हैं? मेन बस बार्स, बस राइजर, केबल लग्स, केबल एंट्री कंपार्टमेंट, कंट्रोल केबल, एमसीसीबी, एसीबीज, एमसीबीज, कॉन्टेक्टर्स, रिलेज, मीटरिंग डिवाइसेस, योर वोल्ट मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, डिजिटल मीटर्स, पावर फैक्टर मीटर, स्विचेस, बटन, सेलेक्टर स्विचेस, इंडिकेशन लाइट्स, सीटीज, पीटीज, मोटर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ओवर करंट एंड ओवरलोड रिलेज, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, पी एल सी, टाइमर्स, केबल्स एंड केबल डक्ट्स, फ्यूजेस, दीज आर ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ए लो वोल्टेज स्विच गेयर। ये उसके कंपोनेंट्स हैं।
इनमें से बहुत सारे कंपोनेंट आपके मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज पे भी यूज हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द रेटिंग। तो इस तरह की कुछ बस बार होती है, सर्किट ब्रेकर्स कुछ इस तरह के होते हैं, ओवरलोड रिलेज कुछ इस तरह की होती है, कॉन्टैक्टर्स कुछ इस तरह से होते हैं। हम अपने स्विच गियर डिज़ाइन के कोर्सेज के अंदर, इलेक्ट्रिकल पैनल के कोर्सेज के अंदर ये सारा प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, प्रैक्टिकली भी और हार्डवेयर के ऊपर भी। थ्री फेज मोटर्स को ड्राइव करके आप सारे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, पुश बटन्स, आवर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, टाइमर्स, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले, फ्यूजेस, वीएफडीज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए स्विच गियर हैं। सो अगर हम बात करें किसी भी स्विच गियर के अंदर उसके डिज़ाइन के हवाले से, तो हम चले जाते हैं एक एक्सेल शीट को कंसिडर करते हैं हम। सो उसके थ्रू हम डिज़ाइन कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी एमसीसी डिज़ाइन हम करने जाते हैं। चलें जी, एक शीट बनी हुई है जी, एक इसी को ले लेते हैं हम। लेट्स से 90 किलोवाट की एक मेरे पास मोटर की रेटिंग है, ठीक है जी। 1.5 किलोवाट, 2.2 किलोवाट, 5.5 किलोवाट, 11 किलोवाट, 15, 22, 35, 45 और 90 किलोवाट डिफरेंट मेरे पास मोटर्स मौजूद हैं। इनका मैंने डिज़ाइन करना है, हाउ टू डिज़ाइन है एमसीसी पैनल, मोटर कंट्रोल सेंटर, इनके कंपोनेंट्स। बस बार निकालते हैं अभी इसकी, इसके फुल लोड निकालते हैं, ओवरलोड को सेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ब्रेकर्स को सेलेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्टर्स को सेलेक्ट करने जा रहे हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है जो कि फ्री में वर्कशॉप है। दोबारा ये वर्कशॉप आए या ना आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते जाएं। यहाँ पे देखें एक फार्मूला मैंने यूज़ किया, दैट इज बेसिकली एंड पी इज इक्वल टू वी आई अंडर रूट 3 वी आई कॉज ऑफ अल्फा 1 और थीटा 1। जहाँ से मैंने आई निकाला, आई इज इक्वल टू पी ओवर 1 अंडर रूट 3 इंटू वी कॉज थीटा। तो आई बराबर आ गया पी, पी इज 90,000 ओवर 1.732 इंटू वी 400 इंटू 0.85। तो देखें जी, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, लाइन वोल्टेज 400, बिकॉज थ्री फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट होते हैं। तो यहाँ से मैंने जब करंट निकाला तो 152.8 एम्पीयर मेरे पास करंट आ चुका आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। सो मेरे एज पर दी आईसी स्टैंडर्ड सेफ्टी फैक्टर को यूज करते हुए 35% अपने करंट को इंक्रीज कर दिया, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय विद 1.35। देखें, इस करंट को मैंने 1.35 से मैंने मल्टीप्लाई किया। H24 ये वाला है 1.35, 35% आईसी की रिकमेंडेशन एज पर दी आईसी स्टैंडर्ड 603-64 हमें बताता है कि जी आपको अपने अंदर इतनी प्रोटेक्टिव डिवाइसेज है। NEC 1.5 का फैक्टर कहता है, BS 1.2 फैक्टर को हमें प्रपोज करता है। बहरहाल आप कम से कम इसके बराबर तो लगाएंगे, इससे नीचे तो जा नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि स्टार्टिंग करंट भी आता है, तो इसलिए हमें ओवरसाइजिंग करनी पड़ती है ब्रेकर्स की। सो एनीवेज हम जाते हैं इधर, जब मैंने इसको 1.35 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट 206.32, दैट इज बेसिकली माई करंट ऑफ द, दैट इज माई करंट आफ्टर ए सेफ्टी फैक्टर। सो मेरे पास 152 एम्पेयर आ गया फुल लोड एम्पेयर, FLA एक स्टैंडर्ड टर्म है, फुल लोड एम्प्स बहुत यूज होती है आपकी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, डिजाइन के अंदर। तो टोटल FLA आपके पास आगे एक अगर मोटर है तो एक ही 152 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमने कैटर नहीं किया इसको फुल लोड के साथ करंट आफ्टर सेफ्टी फैक्टर, तो ये आ गया 206 एम्पेयर। तो ये फुल लोड है, ये मैंने इसके अंदर 35% इंक्रीज कर दिया। अब मेरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो सिलेक्ट होंगी वो इसके मुताबिक होगी, मींस मेरा ब्रेकर 206 एम्पीयर से सिलेक्शन में आएगा, और मेरे पास मेरी जो बाकी डिवाइसेस हैं वो चाहे इससे कम रेटिंग पे भी सिलेक्शन हम कर लें 206 से,
152 से वो ऊपर होंगी, 206 से वो चाहे नीचे हो जाए, लेकिन ब्रेकर मेरा इसके मुताबिक सिलेक्शन में जाएगा 206 एम्पियर के मुताबिक, जो कि एज पर दी 35% इंक्रीज हुआ हुआ करंट है। फुल लोड ये है, मोटर का करंट 152 से ऊपर जाना ही नहीं है, जो कि फुल लोड के ऊपर वो भी, और ये भी लाजमी नहीं है कि मोटर फुल लोड पर चलती है कि नहीं चलती, पॉसिबल है 152 तो उसका फुल लोड है, लेकिन आपका जो लोड करंट है वो 100 से ऊपर जाता ही नहीं। एनीवेज अब हम देखते हैं ब्रेकर की साइजिंग के लिए, हम ब्रेकर के मैन्युफैक्चर के कैटलॉग में जाएंगे, उससे पूछेंगे जी अपना मुझे ब्रेकर का कैटलॉग दे दें। आपको साउंड नहीं आती तो आई थिंक चेक कर लें, आई थिंक आवाज सही आ रही है मेरी। चलें बिल्कुल जी आवाज़ ठीक है, आप अपना माइक वगैरह स्पीकर चेक कर सकते हैं। देखते हैं सिंगल पोल के ब्रेकर हैं, 2 पोल 3 पोल के 4 पोल के भी हैं, यहाँ पे हम यूज़ करने जाएंगे, RCCB भी नहीं करेंगे, RCBO अर्थ लीकेज, उसके बाद पावर फैक्टर हम करेंगे, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB थर्फिक्स थर्मल मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं हम। और यहाँ पे देखें मेरे पास 206 एम्पेयर का करंट है, तो इट मीन्स आई कैन यूज़ एंड एक्चुअली रेटिंग ऑफ 225 का मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने पास ब्रेकर साइज विद एन के ए रेटिंग ऑफ 18 KA, तो 18,000 एम्पेयर के साथ मैं अपने करंट को यूज़ कर सकता हूँ, जो इसका शॉर्ट सर्किट करंट है और उसका रेटेड करंट है 225 एम्पेयर या 250 एम्पेयर। सो मैंने फुल लोड तो देख लिया, अब अगर इसको भी मैं देखना चाहता हूँ तो मुझे फिर इसका शॉर्ट सर्किट करंट निकालना पड़ेगा, और मुझे देखना पड़ेगा 18,000 से कम पे मेरे पास मेरा शॉर्ट सर्किट करंट है तो मैं ये ब्रेकर सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे ब्रेकर के बदलना पड़ेगा। ये देखें ये 225,000 KA वाला है, तो इसको भी मैं एक अपने सॉफ्टवेयर से टूल से इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे इशू नहीं है। देखें फुल लोड के मुताबिक मैंने ब्रेकर सेक्शन कर ली है रेटेड करंट के मुताबिक, लेकिन मुझे ये नहीं पता, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास यहाँ पे मैंने ब्रेकर सेलेक्ट कर लिया है, लेट से ये वाला जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 225 एम्पेयर है और उसका शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी कैलकुलेशन जो है कैपेसिटी जो है वो 18,000 एम्पेयर है। अब मेरा अगर ये क्या कहते हैं फॉल्ट अकर हुआ और उस वो करंट 18,000 से ज्यादा है तो मेरा ब्रेकर क्या करेगा, हैवी ICU है, ICSP नहीं है, RCS उससे 50% है, RCS पे तो फिर आप 9,000 कैपेसिटी ICSP है, तो अगर 18,000 से ज्यादा करंट आया तो ब्रेकर आपका ट्रिप तो कर जाएगा लेकिन वो खराब हो जाएगा। इट मीन्स मुझे ऐसा करंट चाहिए होना चाहिए मेरा शॉर्ट सर्किट जो कि इसके अंडर आए। लेट्स सी मैं यहाँ पे एक एनालिसिस कर देता हूँ परफॉर्म बाय डिसकनेक्टिंग अदर लोड, ये देखें जी यहाँ पे मेरे पास एक मोटर है जी ये वाली, बाकी सारे ब्रेकर मैं ओपन कर देता हूँ, इसको तो मैं कंप्लीटली ओपन कर देता हूँ और ये इसको कर देता हूँ 90 kW। जो कि मेरा अब देखें जी इस पर मैंने लोड फ्लो एनालिसिस किया परफॉर्म, तो देखें तकरीबन मेरे पास 169 एम्पेयर का लोड आ गया। आप कहेंगे 152 क्यों नहीं आया, बिकॉज द एफिशिएंसी मुझे देखनी पड़ेगी इसकी कितनी है, दैट ऑफ एफिशिएंसी इज 82%, अगर ये बेहतर होगी तो आपका FLA बेहतर हो जाएगा, एफिशिएंसी वेरी लो, इस वजह से हमारे पास वो करंट काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा आ चुका है।
सो एनीवे जितना भी आया मेरे पास 169 है, मुझे देखना ये है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कितना अकर हो रहा है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इस बस को मैं क्लिक करता हूँ। शॉर्ट सर्किट एनालिसिस में आया और मैं जाके इसको फॉल्टी कर देता हूँ, जिसको फॉल्ट किया और मैंने कहा रन दी थ्री फेज ड्यूटी साइकिल शॉर्ट सर्किट करंट। तो यू कैन सी डैट यहाँ पे 16,000 एम्पेयर करंट आया मेरे पास। इट मींस ये वाला ब्रेकर मेरा ठीक काम कर सकता है, लेकिन मैं इससे अगली रेटिंग में भी जा सकता हूँ 25,000 एम्पेयर के ऊपर। तो मेरे पास दोनों ब्रेकर इस वक्त ओके है। तो मैं EZC 250F 225 या 250 वाला ब्रेकर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ये देखें जी, मैंने कर लिया, CV रेटिंग इज 250। ये मेरे पास ब्रेकर सिलेक्शन होगी किसी भी सिस्टम के अंदर। लोग रेटेड करंट के मुताबिक करते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट इतना बास का अकर नहीं होता, या अकर हो भी तो वो पहले ही ट्रिप कर जाता है, या बाद लोगों को इस चीज़ की खबर ही नहीं होती कि शॉर्ट सर्किट को भी हमने देखना होता है भाई। सो एनीवेज रिटेल कोर्स ई टैप का आप करना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी इसके अंदर हम करवा रहे हैं। आप हमारी इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि जी आप कौन कौन से कोर्सेज हम करवा रहे हैं। ये लिंक है जो आपको मिल जाएगा। तो ई टैप सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, लेवल 1, 2, 3 प्रामवीरा स्विचगे और इस तरह से ये बहुत सारे कोर्सेज जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं हम यहाँ पे करवाते हैं जी। ई प्लान सॉफ्टवेयर PS कैड है, बूट कैंप PLCs, पावर सिस्टम बूट कैंप, PLC बूट कैंप, सो इलेक्ट्रिकल बूट कैंप, माइक्रो कंट्रोलर, इस तरह से ऑटोमेशन के कोर्सेज, PLCs के कोर्सेज। सो आप इसको वहाँ से भी डिटेल कोर्सेज भी हमसे कर सकते हैं। एनीवेज हमने ब्रेकर का साइज कर लिया फुल लोड एम्प्स के साथ और इसके साथ सेफ्टी फैक्टर के साथ, जो के हमने करंट निकाल लिया उसके मुताबिक ब्रेकर सिलेक्शन की। तो दैट विल बी 225 एंड 250। सो अब हमने जो किसी भी सर्किट में है वो अगर ये स्टार डेल्टा पे है या ये डीएल पे है तो हम इसका कॉन्टैक्टर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का साइज सेट करना है जी। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के लिए मैं चला जाता हूँ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के डॉक्यूमेंट के अंदर। यू कैन सी दैट वन। सो ये देखें जी, ये मेरे पास एक कॉपर टेबल है, इसके नीचे मेरे पास ये कॉन्टैक्टर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की लिस्ट है। यहाँ पे देखें, आई हैव एन कैपेसिटी ऑफ 90 किलोवाट। यू कैन सी दिस वन कैपेसिटी kW/HP। तो 90 किलोवाट और 125 HP, ये मेरे पास क्या कहते हैं आ गया। यहाँ पे अगर मैं करंट देखूँ, थर्मल करंट है और मेरे पास ये क्या है जी, रेटेड करंट है उसका। ऑपरेशनल करंट 180, मेरा कितना था जी 152। तो इसका मतलब है ये वाला मेरी जो कॉन्टैक्टर है यूज होगा और उसने यहाँ पे रेटिंग खुद भी दे रही है SCN8। सो कॉन्टैक्टर को मैंने सिलेक्शन कर ली यूजिंग एंड बेसिकली कॉन्टैक्टर मैन्युफैक्चर के कैटलॉग से। सो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। SCN8 कॉन्टैक्टर रेटिंग 180 एम्पीयर वाला SCN8 सेलेक्ट हो गया। थर्मल ओवरलोड पे चलते हैं, हम देखते हैं थर्मल ओवरलोड कैसे काम करेगी जी। 152 एम्पीयर है, ये देखें ये थर्मल ओवरलोड रिलेज है जी। सो 152 के ऊपर 185 से 125 ये तो नहीं बनेगा, 110 से 160 यही बनता है जी, 160 से 240 भी नहीं बनेगा, ये ज़्यादा हो गया है। 160 से नीचे हम सेट ही नहीं कर सकते इसको। तो ये वाली रिले हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सिलेक्ट हम कर लेंगे 154 पे, 55 पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन 153 पे भी कर सकते हैं। अच्छा, बाज जगह पे या बाज दफ़ा हम अंडर लोड भी सिलेक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फुल लोड अगर एम्पेयर 152 है और मोटर आपकी अंडर लोड चलती है, लेट्स से 100 के ऊपर कभी गई नहीं, तो भाई आप 110 115 पे भी अपनी ओवरलोड की सेटिंग कर सकते हैं।
तो बहरहाल हम अभी के केस में अगर हम यही अज्यूम कर रहे हैं 152 है फुल लोड, तो हम 153 54 पे सेट कर लेंगे अपने इस लोड को, अपनी ओवरलोड थर्मल ओवरलोड रिले को। तो यहाँ पे कौन सी बनती है, टी के एन सिक्स एच। तो आई कैन राइट इट हेयर, देखें जी मैंने यहाँ लिख दी टी के एन सिक्स एच, ओवरलोड रेटिंग ये बनी उसकी। उसके बाद सी टी एंड द पी टी, सी टी साइज होगा तो ऑब्वियसली सी टी जो मेरे पास है वो एज पर दी लोड करंट 152 एम्पेयर है। तो 152 से ऊपर जितना भी मुझे सी टी मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही रखना चाहिए, तो 200 एम्पेयर बाय 5, 200/5 का सी टी मैं यूज़ कर लूँगा। तो केबल साइज जो इसके लिए होगा वो 95 mm स्क्वायर है। मेरा टॉपिक जो आज की वर्कशॉप है वो केबल्स नहीं है, इस वजह से मैंने केबल साइज निकाल लिया है, वैसे लिख देता हूँ। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि अगर आपने क्विकली केबल साइज निकालना हो तो क्या करें, आप अपने टोटल लोड करंट को पकड़ें जो कि 206 है डिवाइडेड बाय 2.5, तो दैट विल बी योर केबल साइज। तो अगर मैं इसी को कर दूं 152 डिवाइडेड बाय 2.5, ये तकरीबन 60.8 आता है। सो तकरीबन 70 mm की केबल लग सकती है इस केस में, लेकिन मैं 206 के मुताबिक लूँगा तो ये तकरीबन 82 की लग जाएगी आपके पास केबल, लेकिन 82 की तो होती नहीं, 70 mm के बाद 95 mm की ही होती है। सो डिपेंड ऑन द लेंथ, आप कितनी लेंथ की केबल लगनी है तो उसके मुताबिक 70 या 95 mm स्क्वायर की केबल यहाँ पे लग सकती है। तो लिहाजा केबल साइजिंग इज अ डीप टॉपिक, हम किसी और वर्कशॉप में या आप जब अगर पूरा करते हैं कोर्स तो वहाँ पे आपको केबल साइजिंग भी डीपली करवाई जाती है। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर ली सिटी की भी, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर ली ओवरलोड, यहाँ पे मैंने केबल की कर ली। अब मेरे पास रह जाती है जी बस बार की साइजिंग, बस बार साइजिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बस बार साइजिंग को देखते हैं जी। अच्छा, सिटी के वाले से आपको पता होना चाहिए कि जो सिटी मार्केट में अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सी, नॉर्मली जो है ज़्यादातर जो सिटी पाए जाते हैं वो होते हैं x/1, x/2.5 और x/5। तो मोस्टली होते हैं x/1 या x/5 होते हैं। x मीन एनी करंट और प्राइमरी करंट जो कि कोई भी करंट हो सकता है, और 5 या 1 का मतलब है सेकेंडरी करंट। तो लेट्स से अगर मैं 100/5 का लगाता हूँ, इट मीन्स प्राइमरी करंट मेरा 100 है, तो सेकेंडरी में मुझे 5 एम्पेयर मिलेंगे। तो इसी तरह डिफरेंट रेटिंग के मौजूद हैं, 25/5, 50/5, मैन्युफैक्चर से आप ये कैटलॉग ले सकते हैं, 125/5 भी हो सकता है, 200/5, 300/5, 400/5 एंड सो ऑन, 1000 वाले भी होते हैं, फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास जो रेटिंग थी वो 200/5 थी, क्योंकि ज़्यादा बेहतर थी 152 के बाद, बहुत ज़्यादा करीब वाला नहीं, थोड़ा बड़ा ले लें तो बेहतर है। तो इसलिए सिटी को मैंने ऐसे लिया है जी। बस बार साइजिंग में जाते हैं जी, बस बार को कैसे हम साइज कर सकते हैं। 90 kW है। अब देखिए बस बार को जो मैंने साइज करना है ना, वो ऐसे नहीं करना कि मैंने सिर्फ एक, देखें आम जो मेरा एक मोटर है उसके लिए तो मैंने बस बार नहीं लगानी, बस बार कहीं मेरे मेन पे लगेगी। अगर मैं मेन पैनल की बात करूं MCC की, तो MCC के अंदर अगर मैं जाता हूं मोटर कंट्रोल सेंटर के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे तो सारी जो है बस बार लगी हुई है, लेकिन वो मेन पैनल पे लगेंगी। केबल की जो मोटर को जा रही है पैनल से, वो तो आपकी केबल लगेंगी, बस तो आप बस बस आपकी मेन पे लगनी है जो ये बस बार लगी हुई है। तो इसका मतलब है, मेन का मतलब है कि आपके पास ये देखें मेन है, तो ये जो मेन बस बार है जो कि इधर भी ट्रेवल कर सकती है,
वो जो मेन बस बार की जो रेटिंग होगी वो आपके पास कितनी होगी जी, वो तो सम ऑफ ऑल होगा। तो यहाँ पे तो अभी हमने एक ही निकाल लिया, तो ऑब्वियसली हम ये पूरे टेबल को फिल करेंगे, उसके बाद हम डाटा डालेंगे, फिर हमारे पास कोई मेन की रेटिंग आएगी तो फिर हमारे पास ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक का डाटा लेके मैं सब में पेस्ट कर देता हूँ और एक टोटल करंट निकाल लेते हैं, फिर हम बस बार को साइज करते हैं। इसको मैंने सम किया, देखें जी ये तकरीबन मेरे पास कितना आ गया, 1976। अगर मैं इसको सम कर दूं, अब मैंने सेम साइज लिया है, आपके करंट डिफरेंट आएंगे क्योंकि रेटिंग आपकी डिफरेंट है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट से एक रैंडमली कि मेरे पास जो फुल फुल लोड जो सब का सम ऑफ द ऑल करंट है ना, वो मेरे पास आ रहा है 2500 एम्पीयर। तो पॉसिबल है ना कि आपके पास क्वांटिटी भी डिफरेंट हो, ये आपके पास 4 हैं, कोई आपके पास 22 हो, कोई आपके पास 12 हो, कोई कल आपके पास 5 हो। ना सो लेट्स से मैं इनको खत्म कर देता हूँ। आई अज्यूम दैट टोटल करंट इज 2500 एम्पीयर। सो साइज ऑफ बस बार बताएंगे। ले जी मैं अपने टेबल में आया, दैट इज अ बेसिकली कॉपर टेबल। तो यहाँ पे देखें ए ओ बी रेटिंग में 2500 एम्पेयर पे मेरे पास जो बस बार सेलेक्ट हुई है, दैट इज 2 × 100 × 10। तो 2 × 100 × 10 का मतलब ये है कि आपके पास 2 बस बार यूज हुई 100 × 10 की साइज के साथ। 100 का मतलब है कि चौड़ाई है और 10 का मतलब है मोटाई है उसकी। तो ये मेरे पास और 2 बस बार्स, तो ये पॉइंट याद रखना है, मैंने मेन बस बार का साइज किया है, इसके अंदर 2500 एम्पेयर का बस बार है, वो 2 × 100 × 10 की मिलीमीटर के अंदर ये डिमेंशन है, यहाँ पे दी भी हुई है मिलीमीटर के अंदर ये साइज दिया हुआ है। अब बात ये है कि ये 2 क्यों यूज हुई है बस बार, तो उसकी रीजन ये होती है 2 बस बार यूज करने की। देखें अगर मैं ये कहता हूँ, एक मेरे पास प्रिंसिपली रूल है कि भाई अगर आपका कंडक्टर का जो करंट है वो आपका पास जो है ना, जब कंडक्टर का साइज ज्यादा होता है, बड़ा होने लग जाता है, तो आपकी करंट डेंसिटी कम हो जाती है। करंट डेंसिटी आपकी कम हो जाती है जब आपका कंडक्टर मोटा होने लग जाता है, साइज क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने लग जाता है। सो दैट इज बेसिकली एंड ये अब ये बात क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ जी। देखिए 1 mm² जो केबल है वो ले लेती है जी 12 एम्पेयर, 2 mm² ले लेगी जी कितना जी 24 एम्पेयर, 3 mm² ले लेगी जी 36 एम्पेयर, 4 mm² ले लेगी जी 48 एम्पेयर, और 5 mm² कर लेगी जी 60 एम्पेयर, 60 एम्पेयर। अब ये तो बात मुझे बहुत आसानी से समझ आ गई, लेकिन होता ऐसे नहीं है। होता क्या है, इसने 12 लिया, हो सकता है ये आपके पास सिर्फ 17 ले, ये आपको हो सकता है 22 ले ले, ये आपको हो सकता है कि 28 ले ले, ये आपको हो सकता है कि भाई 32 ले ले। तो अब देखें करंट आपका जो कंडक्टर का साइज बढ़ रहा है, लेकिन करंट की रेटिंग भी बढ़ रही है, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ रही जैसे बढ़नी चाहिए। करंट डेंसिटी आपकी कम हो रही है। अब मेरी अगर रिक्वायरमेंट है क्या कहते हैं 22 एम्पेयर मैंने यूज करना है, लेट से करंट है मेरा, तो भाई मैं यहाँ पर 3 mm का कंडक्टर यूज कर सकता, एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने रेटिंग लिखी है।
लेकिन अगर मैं 1 mm के दो यूज कर लूं तो देखिए मेरी रेटिंग कितनी हो जाएगी, 24 एम्पेयर। पहली बात। दूसरी बात है 1 mm 1 mm 2 mm हुआ, मेरा 1 mm कंडक्टर बचा और रेटिंग भी मेरी बेहतर होगी। ये दो मिलके 24 दे रहे हैं, ये 3 mm मुझे 22 एम्पेयर रेटिंग दे रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखें कंडक्टर में 2 बस बारें यूज की है, देखें और करंट बढ़ा है तो हमने 3 पे चले गए हैं, 6000 एम्पेयर पे हम 4 पे चले गए। तो इट मीन्स कि हमें इस वजह से नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ा लेते हैं ताकि आपका कंडक्टर साइज छोटा हो जाए। सो बस बार का साइज मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं देखता हूँ जी मैं एक पैनल को कैसे डिजाइन कर सकता हूँ। ये देखें जी, अगर ये मैंने एक पैनल लिया, एक पैनल की जो स्टैंडर्ड हाइट और विड्थ होती है दैट इज बेसिकली 2200 mm, तो ये 2200, 800 इसकी विड्थ होती है, ये आपका बनेगा एक पैनल। हॉरिजॉन्टल हो गया 800, 2200 जी, ये एक पैनल का स्टैंडर्ड साइज है। आप अपने मुताबिक कस्टम भी बनवा सकते हैं, इशू नहीं है। तो ये 2200 mm इसकी हाइट है और 800 इसकी विड्थ है। अगर मैं यही पैनल ले लूँ, मेरे पास MCC के अंदर बहुत सारे पैनल होंगे, तो मैं इसी की कॉपी रख के यहाँ रख लेता हूँ, 2 पैनल 3 पैनल 4 पैनल 5 पैनल। अब जो मेरे पास ब्रेकर यूज होना है वो ऑलमोस्ट जो मेन ब्रेकर है 2500 एम्पेयर का, तो तकरीबन 1 मीटर हाइट तक वो लग जाएगा। अगर मैं डायमेंशन देखूं इसकी तो ये बनती है 2200 मिलीमीटर, डिवेंशन का साइज थोड़ा मैं सेट कर लूं। सो दैट इज बेसिकली 2200 mm। सो तकरीबन 1000 मिलीमीटर तक तो ये लग गया, तो बाकी कितना बचा 1200 मिलीमीटर, तो यानी कि 1.2 मीटर ये स्पेस बची। अब बस बार नहीं जाना है, और इधर से यूं जाना है, यूं बस बार जाएंगी जी आपकी। अब ये जो लेंथ बनी ये आपकी कितनी बनी जी, 1.2 mm स्क्वायर, 1.2 मीटर यानी कि 1200 mm,
और ये जो बनेगी 800 का एक पैनल है जी, यहां से यहां तक जो पैनल है वो 800 का है, तो पांच पैनल है तो 800 ज़रा पांच हो गया 4000 मिलीमीटर, जो कि 4 मीटर बनेगा। तो इसका मतलब है 4 मीटर ये वाली बस बार ट्रेवल कर रही है और 1.2 मीटर ये वाली बस बार ट्रेवल कर रही है, तो टोटल कितना हो गया जी 5.2 मीटर। सो लेंथ ऑफ बस बार कितनी बन गई, 1.2 मीटर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जा रही है 4 मीटर, तो दैट विल बी इक्वल टू 5.2 मीटर। सो साइज ऑफ बस बार क्या है, वो ये हमने देख लिया 2 × 100 × 10। हमारे पास एक फार्मूला होता है जिससे हम किलोग्राम ऑफ कॉपर मालूम कर लेते हैं, दैट इज 1.1 × लेंथ ऑफ बस बार मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम पर मीटर। तो इससे आपको मिल जाएगा जी कॉपर। सो 1.1 इज अ बेसिक फैक्टर, 10% लेंथ ऑफ द बस बार इज 5.2 मीटर, अभी हमने कैलकुलेट की। नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी है भाई, पर फेस 2 स्ट्रिप्स हैं, अभी हमने यहाँ पे बात की बहुत डिटेल के अंदर, तो इसका मतलब 6 स्ट्रिप्स होगी 3 फेज के अंदर। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स 6, किलोग्राम पर मीटर, 1 किलोग्राम 1 मीटर की अगर बस बार है तो कितने किलो की होगी वो, तो वो हमें कौन बताएगा जी, मैन्युफैक्चरर से पूछ लेते हैं या आप बैठ के तोड़ लीजिएगा। देखें जी 100 × 10 8.9 kg, ये देखें वेट किलोग्राम पर मीटर 8.9 kg। सो नाउ यू कैन सी दैट वन 8.9, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस, तो आप देख सकते हैं कि भाई आपके पास जो यहाँ पे आएगी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8.9, दैट विल 305 किलो कॉपर आपको चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए 2500 एम्पेयर बस बार फ्रॉम दिस टू दिस लोकेशन। तो यहाँ से इधर जाने के लिए आपको 2500 एम्पेयर की बस बार के लिए 300 किलोग्राम कॉपर रिक्वायर्ड है, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो अभी हमने देखे मल्टीवेरिएट सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर लिए और अपनी बस बार के साइज़ भी निकाल लिए, सो दैट इज़ बेसिकली आवर बेसिकली डिज़ाइन ऑफ ए एमसीसी पैनल। आप इसके लिए ई प्लान का एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी पैनल डिज़ाइनिंग बहुत कमाल की 2D और 3D पैनल डिज़ाइनिंग हो सकती है, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त है। ई प्लान के अंदर हम पैनल डिज़ाइनिंग करते हैं, सॉलिड वर्क्स एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी आप पैनल डिजाइनिंग कर सकते हैं, इशू नहीं है। यू माइट बी लो मेमोरी ऑफ 100 MB ऑफ द आई थिंक आई हैव ए सम लो लेवल मेमोरी इन माय सी ड्राइव, सो दैट इज 97, आई कैन डिलीट समथिंग। So that is basically E plan. देखें E plan जो है वो आपका schematic drawing के लिए use होता है, 2D panel designing के लिए use होता है और 3D panel designing के लिए use होता है। सॉलिड वर्क भी आपका 3D panel designing के लिए हम use कर लेते हैं, नो डाउट सॉलिड वर्क का मैकेनिकल यूज अलहदा से भी है, मैकेनिकल पार्ट्स मैकेनिकल मशीन मैकेनिकल मॉडल्स ऑल आर कैन बी यूज टू for E plan for so can be built in SolidWorks. तो इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको
ताकि आपको पता चल जाए। जी अभी बस इस पे हम काम करने लगे हैं। देखें रिपोर्टिंग सिस्टम इसमें बहुत कमाल है, ये 3D पैनल देखें कितना कमाल बना हुआ है इसके अंदर। फिर हम लेआउट स्पेस में जाते हैं और सैंपल प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, तो यू कैन सी दैट वन, ये सारे का सारा पैनल इसके अंदर। कौन सा सॉफ्टवेयर आपका लोड नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लेता है ये हो जाता है लोड। ये देखें दैट इज आवर पैनल, सो आई कैन सी दिस इन अ डिफरेंट व्यू। ये देखें जी अब आप इसको चेक करें, सो ये पूरा एग्जैक्ट कंपोनेंट के साथ, रियल टाइम कंपोनेंट के साथ देखें, ये लोगो पीएलसी लगी हुई है, ये कॉन्ट्रैक्टर ब्रेकर लगे हुए हैं, तो ई प्लान को भी आप एज ए पैनल डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो 3D के लिए भी और 2D के लिए भी, नॉट ओनली हम इसको कहें कि जी ये स्कीमेटिक्स के लिए है, 3D के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये। इसके अलावा आप इसके अंदर स्कीमेटिक्स ड्राइंग भी बना सकते हैं, यू कैन सी दैट वन। दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी, ये देखें काफी पेजेस हैं, काफी पेजेस हैं उसके अंदर। बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर जनरेट हुई हुई है, जिसकी वजह से ये इनक्लोजर के आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं जी इसकी ड्राइंग, यहाँ पे देखें जी ये ड्राइंग बनी हुई है। समवट हैवी सॉफ्टवेयर बट इट इज वर्किंग फाइन, सो कोई भी ड्राइंग है आप इसके अंदर देखें इलेक्ट्रिकली बना सकते हैं, और पैनल्स को 2D एंड 3D के अंदर भी बना सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, जर्मन, अमेरिकन, इवन सऊदी अरब, बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी यूज हो रहा है, एटॉमिक एनर्जी वाले भी कर रहे हैं और इदारे भी इसको यूज कर रहे हैं। तो दैट सॉफ्टवेयर इज आल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ए योर ड्राइंग एंड फॉर द 2D एंड द 3D पैनल डिजाइनिंग। So that is overview of all the system, all the softwares and the design of a complete panel. Inshallah ta'ala, if you are interested in any of the our Burraq engineering courses, you can join us in our institute in Lahore, in Iqbal Town campus, or in Muslim Town campus. तो यू कैन ज्वाइन अवर कोर्सेज, ये लिंक यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं हम कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं, एक डेप्थ में भी जा रहे हैं, बहुत सारा डिटेल कोर्सेज भी हैं और शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, सो बूट कैंप के कोर्सेज भी हैं जो कि मौजूद हैं,
जो कि आपको हाई लेवल स्किल बिल्डिंग की लाइन में, इलेक्ट्रिकल की लाइन में, पैनल्स की लाइन में डिजाइनर बना सकते हैं और आपकी कैरियर के अंदर गेम चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेशन के अंदर गेम चेंज आप करना चाहते हैं, एक कैरियर को बिल्डअप करना चाहते हैं बाहर के मुल्क के अंदर, जो कि हमारे स्टूडेंट बहुत जा रहे हैं आजकल, क्योंकि मार्केट सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कोलैप्स कर चुका है, इंडस्ट्री सारी डाउन साइजिंग के ऊपर है या काफ़ी हालात ख़राब हैं। तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द आउटसाइड इन द फ्रॉम द पाकिस्तान। तो आप इन कोर्सेज को करके अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह वर्कशॉप आपकी आज हम काम करते हैं, नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर हम मिलेंगे दोबारा, पॉडकास्ट में भी मिलेंगे। कोई क्यूरी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन है खान साहब? तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अदरवाइज आप कोई भी चीज़ पूछने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी करके रब्ता कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे रब्ते के लिए मैंने नंबर दे दिया है। कोई क्यूरी हो किसी कोर्स के वाले से, कोई टेक्निकल क्यूरी हो, आप उसे रब्ता कर सकते हैं। तो एनीवेज सर्टिफिकेट फॉर दिस वर्कशॉप, ठीक है जी, सर्टिफिकेट हम आपको एक देखें, ये एक शीट थी आपने याद करवा दिया, ये मैंने अभी फिल की थी, 90 किलोवाट के साथ मैंने ये फिल की है अभी। आप इसको पूरी शीट को फिल करें और सर्टिफिकेट ले लें, सिंपल। आप इसका फुल लोड निकालें, सेफ्टी फैक्टर से करंट निकालें, सर्कल ब्रेकर सेलेक्ट करें, उसकी रेटिंग, कॉन्ट्रैक्टर का मॉडल, कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग, ओवरलोड का मॉडल, सीटी और इस तरह केबल, ये बस बार। तो आप ये सारे निकाल कर मुझे ये फाइल सेंड करें, आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा जी, बिल्कुल जी। बाकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर कर देते हैं, और जो रिकॉर्डेड लिंक है वो आपको बुराक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के ऑफिशियल चैनल जो है हमारा, यहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर, जहाँ तक बात है टेस्टिंग कमीशनिंग की, तो ओबियसली इस पर भी एक हम वर्कशॉप रख सकते हैं, डिटेल टॉपिक है। फिर भी अगर आपने टेस्टिंग कमीशनिंग करनी है, आपके पास प्रॉपर टूल्स, मैगर्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट, वोल्ट मीटर, लैम्प टेस्ट, ये सारे होने चाहिए। उससे के साथ हम पैनल को टेस्ट करते हैं, 3-phase supply, single-phase supply, न्यूट्रल ग्राउंड, लाइन टू लाइन, लाइन टू अर्थ, न्यूट्रल टू अर्थ, सारे वोल्टेज टेस्ट किए जाते हैं, मैगरिंग से इंसुलेशन टेस्टिंग की जाती है। इसके थ्रू आप ये सारे प्रोसेस को सरंजाम देते हैं टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के। सीमेंस टॉप में आती है, इसके अलावा पाकिस्तान स्विचगियर इंडस्ट्री का भी बता दें। देखें स्विचगियर जो सीमेंस है पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सीमेंस भाग गई हुई है। तो पाकिस्तान से वो उनका ट्रांसफार्मर सेक्शन, जनरेटर सेक्शन सब चला गया। सो सीमेंस इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान नाउ अ डेज। उसके इम्पोर्ट और कंपोनेंट, सीमेंस एज ए कंपनी इज़ द टॉप ऑफ द कंपनी इन द होल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट जो स्विचगियर के वाले से कंपनी है, पहल है आपके पास, बिलाल स्विचगियर है, ECS है, हम खुद स्विचगियर मैन्युफैक्चरर हैं, बुराक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हम खुद हैं, तारिक इलेक्ट्रिकल है, बिल्कुल तारिक इलेक्ट्रिक एक अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी स्विच गियर की कंपनियां हो सकती हैं जो कि स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, डिज़ाइन भी कर रही हो। तो एनीवेज जी, डिस्काउंट कोई ज़्यादा कोर्सेज करेगा तो उसको ज़रूर डिस्काउंट हम दे देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बूट कैंप के कोर्सेज अगर आप करते हैं तो उस पर डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वैसे ही डिस्काउंटेड है, बहुत सारे कोर्सेज कवर हो जाते हैं। सो आप बूट कैंप के इलेक्ट्रिकल बूट कैंप को ज्वाइन करते हैं तो आपको ई प्लान इसके अंदर आपका हो जाएगा, अगर आप देखें तो आपका पास ई टैप कवर हो जाएगा इसके अंदर। मैं आपको ये बता देता हूँ जी, इलेक्ट्रिकल बूट कैंप के हवाले से ये कोर्स आपके लिए इकोनॉमिकल रहेगा। देखें कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, अब इसके अंदर ई टैप, ई प्लान, ऑटो कैड, स्विच गियर, बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, इसके अंदर आपके पास ई डायलेक्स,
आपके पास प्रोटेक्शन रिले, डिवाइस कोऑर्डिनेशन, प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन इन ई टैप, रेविट, ये सारे कोर्सेज आपके एक ही कोर्स के अंदर कवर हो जाते हैं. दैट इज बेसिकली हैंड कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डिजाइन बूट कैंप इस कोर्स के अंदर. तो अगर आप ये कर लेते हैं तो दैट विल कवर एवरीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल. आप इस कोर्स के बाद आप कह सकते हैं आप एक डिजाइनर हैं और एक से अच्छे लेवल के डिजाइनर हैं. जितना आप प्रोजेक्ट्स पे हम काम करवाएंगे, अगर आप वो काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, वर्किंग करते हैं, सो यू विल बी द कंप्लीट डिजाइनर जो कि आप बन सकते हैं. 3 मंथ इसकी ड्यूरेशन है. ऑनलाइन सेशन, प्रैक्टिकल सेशन, फिजिकल सेशन, वीडियोज भी मिल जाएंगी आपको इस कोर्स की. उर्दू इंग्लिश दोनों में हो सकता है. 50,000 इसके चार्जेज हैं. तो ये आप कर सकते हैं. इसमें ऑल अबाउट द डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है. जी, इस सेशन की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको अभी मिल जाएगी आफ्टर दिस सेशन इंशाल्लाह ताला. अगर किसी की कोई क्यूरी हो किसी कोर्स के वाले से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकता है और वेबसाइट पर रब्ता कर सकता है. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वर्कशॉप हमारी आ रही है वो नेक्स्ट आई थिंक सैटरडे को है. एक सीमेंस की वर्कशॉप आ रही है जो कि पेड है हमारी, सीमेंस PLC की S7300ND माइक्रोमास्टर 440 के ऊपर. वो जो वर्कशॉप है इंशाल्लाह वो हमारी फिजिकल भी है, वो हमारी ऑनलाइन भी है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन वो पेड वर्कशॉप है. ये रहे 500 उसके चार्जेज हैं और वो वन डे की है, 7 to 9 ट्यूसडे को गालिबा 21 फरवरी. उसमें ज्वाइन करेंगे उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा और उसके अंदर आपको क्या कहते हैं बाकायदा अगर फिजिकल आएंगे उन्हें पैनल्स पे काम भी करवाया जाएगा. सो इंशाल्लाह विल सी यू अगेन. कोई भी डिस्कशन हो आप रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़. कल आपको सेंड कर सकते हैं. क्या सेंड करना है आपने कल? जी जी कल आप सेंड कर दें इंशाल्लाह ताला, उसको देख लेते हैं. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज़.